हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको व्हाट्सएप के पांच ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको शायद नहीं बताऊंगे, और ये फीचर अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने रोल आउट किए हैं। पहले हो सकता है आप लोगों के पास अभी तक नहीं आए हों ये फीचर, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो कि अभी सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए हैं, बट फीचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेरा पर्सनली फेवरेट फीचर, एवेटार क्रिएशंस। जो लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि एवेटार क्या होता है, अवतार जिसको भी बोल सकते हो आप। इसमें आप अपना एक एनिमेटेड कैरेक्टर बना सकते हो और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे स्टिकर्स क्रिएट करके चैट में सेंड कर सकते हो, और ये फीचर फाइनली व्हाट्सएप में आ गया है। तो जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप में ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन दिख जाएगा एवेटार क्रिएट करने का या अवतार क्रिएट करने का। इसके बाद अपनी स्किन टोन वगैरह चूज करके अपना जैसा भी आप दिखते हो ठीक उसी से रिलेटेड अपना एक एनिमेटेड कैरेक्टर बना सकते हो। वेल, हो सकता है अभी तक आपके पास ना आया हो, ये फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए हैं, तो जल्द ही नॉर्मल यूजर्स के लिए भी आ जाएगा। सेकंड फीचर है प्रीव्यू ऑफ लिंक्स। आपको याद होगा कि अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे या व्हाट्सएप स्टोरी पे कोई लिंक लगाते थे, तो आप अगर देखना चाहते हो कि उस लिंक पे क्या है, तो आपको क्लिक करना पड़ता था, तब थंबनेल दिखता था। बट व्हाट्सएप ने इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब जो है, अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे या स्टेटस पे लिंक लगाते हो या कोई और लिंक लगाता है, तो आपको बार बार क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है कि उस लिंक में एक्चुअल है क्या। थंबनेल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, थंबनेल का प्रीव्यू आपको दिखने लगेगा स्टोरी पे। तो अगर आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये लिंक किस बारे में है, तब आप चाहो तो उस पर क्लिक कर सकते हो। थर्ड फीचर है रिएक्ट ऑन स्टोरी विद स्टिकर। तो अगर आप व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस या स्टोरी देखते हो, तो आप उस पर स्टिकर के साथ रिप्लाई कर सकते हो। तो अभी हो सकता है ये फीचर आपके लिए अवेलेबल ना हो, बट जल्दी ही आ जाएगा ये भी। फोर्थ फीचर है एडमिन कैन डिलीट एनी मैसेजेस। मान लो आप किसी ग्रुप में ऐसा मैसेज भेज देते हो जो कि आपको नहीं भेजना चाहिए था, और आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाते हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एडमिन आपके किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकता है, सिर्फ आपके ही नहीं, उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, एडमिन को अगर कोई मैसेज पसंद नहीं आया या कोई ऑफेंसिव मैसेज है, तो एडमिन उस मैसेज को डिलीट कर सकता है, डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है। तो एडमिन के पास ये एक सुपर पावर व्हाट्सएप ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट फीचर है हाइड ऑनलाइन स्टेटस। ये फीचर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो, या बहुत सारे लोगों के पास पहले ही रोल आउट हो गया हो। इसमें क्या है कि अगर मान लो आप व्हाट्सएप पर देर रात तक ऑनलाइन रहना चाहते हो, लेकिन आप ये भी छुपाना चाहते हो कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, ऑनलाइन एक्टिविटी को छुपाना चाहते हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी में जाके, लास्ट सीन पे क्लिक करके यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑनलाइन एज लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन। तो मान लो जो भी आपका लास्ट सीन रहा होगा, अगर उसको सिलेक्ट कर लेते हो, तो आप मान लो अगर आप 12 बजे लास्ट सीन ऑनलाइन थे और आप 3 बजे तक व्हाट्सएप चला रहे हो, तो अगर कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि आप रात में 12 बजे तक ही ऑनलाइन थे। वेल, तो ये पांच फीचर थे जो व्हाट्सएप ने रिसेंटली रोल आउट किए हैं। आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा फीचर आपके व्हाट्सएप में ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा एक बोनस फीचर जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बहुत सारे मैसेजेस अनरीड पड़े हैं आपके व्हाट्सएप में और आप उनको रीड करना चाहते हो एक साथ, तो ऊपर सर्च पे क्लिक करो, यहाँ पर एक अनरीड का छोटा सा टैग दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप सारे अनरीड मैसेज एक ही जगह पर रीड कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।